हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड में निधि। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक 1 का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 7, ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब से पहले हम चैप्टर नंबर 1 to 6 कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैंने इस बुक का सेम टू सेम लाइक अपने आप पीडीएफ बना के मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाके बुक को डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर आता है आपका टॉपिक है आइडेंटिफाई द शेप्स एंड सॉलिड्स बाय देयर नेम्स एंड ड्राइंग। जो शेप्स होती हैं 2D शेप्स होती हैं, और जो सॉलिड्स होते हैं 3D शेप्स होते हैं, उनको उनके नाम से और उनकी ड्राइंग से पहचानना। प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, रोलिंग स्लाइड। रोलिंग एंड स्लाइडिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको अगर हम ऊपर किसी ढलान से नीचे की तरफ ढकेलेंगे तो वो रोल नहीं होगा। रोल मतलब जो जैसे कि एक बॉल है, आप बॉल को नीचे गिराते हैं तो वो कैसे रोल होती है, लुढ़क पुढ़क के नीचे जाती है रोल होते होते, तो उसको बोलते हैं रोलिंग। और कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट बेस वाली ऑब्जेक्ट है, प्लेन बेस वाला ऑब्जेक्ट है, वो रोल नहीं करेगा, वो स्लाइड करेगा। तो इसकी बेसिकली ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो रोल करते हैं। इससे बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट रोल करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे आइडेंटिफाई द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग टू ड्रॉ अ शेप। यानी कुछ आपसे सॉलिड्स दे दिए जाएंगे कि आपको बताए, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी शेप यूज करने के लिए, या फिर ये शेप किस शेप से रिजेंबल करती है, वो 2D शेप, वो 3D शेप की। ठीक है, आइडेंटिफाई द शेप टू बी यूज इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड। यानी सेम किसी 2D शेप को यूज करते हुए हम कौन सी 3D शेप बना सकते हैं, 3D सॉलिड बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और शेप्स और सॉलिड्स को किसी फिगर में दे दिया जाएगा, उन्हें हमें काउंट करना पड़ेगा कि इतने कितने स्क्वायर्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने सर्कल्स हैं, ये आपको बताने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, आप चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट का, द नंबर द नेम ऑफ शेप विच इज येलो कलर्ड। सो आप देख लीजिए यहाँ पे एक ही शेप है जो कि येलो कलर की है, जो कि है ये वाली शेप। इस शेप को मैं आपको बता देती हूँ चिल्ड्रन, इस शेप को हम स्क्वेयर बोलते हैं। वो शेप जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होती है, और उसकी चारों जो साइड्स होती हैं, फोर साइड से मिलके बनी होगी और भी स्ट्रेट लाइन होंगी, और जो चारों साइड्स होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी, सेम लेंथ की होंगी, तो उस शेप को हम बोलते हैं स्क्वेयर। तो यहाँ पर येलो कलर की सिर्फ स्क्वेयर शेप है। ठीक है, एक और फिगर होती है, जैसे ये है हमारी बड़ी वाली फिगर, जिस ये भी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है, ये भी फोर लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है, लेकिन ये जो है इनकी चारों साइड जो है वो बराबर नहीं होती, इनकी ऑपोजिट साइड यानी आमने सामने वाली साइड जो है वो बराबर होती है, तो इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल का। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होंगी, रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट वाली साइड होती है वो बराबर होती है, चारों साइड बराबर नहीं होती। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, स्क्वायर हमारा येलो कलर वाला जो शेप है वो हमारी स्क्वायर है। सेकेंड क्वेश्चन है, देयर आर डैश मोर सर्कल्स देन द ट्राइंगल्स। यानी जितने भी यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं उनसे सर्कल्स ज़्यादा हैं, और कितने ज़्यादा हैं ये हमें बताना था। इससे पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कितने सर्कल्स हैं। तो सर्कल्स देख लेते हैं, कितने सर्कल्स हैं इस फिगर के अंदर। तो सर्कल हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये बड़ा वाला सर्कल यानी 7 सर्कल्स हैं। और कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर देख लेते हैं, ट्राइंगल्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 और ये वाला ट्राइंगल 4। सो 4 ट्राइंगल्स हैं और 7 सर्कल्स हैं, तो कितने ज़्यादा हुए इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 3 ज़्यादा हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द गिवन बॉल्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी बॉल, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी बॉल। तो आप देख सकते हैं बाय देखने पे ही आपको पता चल रहा होगा सबसे बड़ी बॉल कौन सी है, बॉल नंबर क्यू। देन उसके बाद नेक्स्ट बॉल, उससे छोटी वाली बॉल कौन सी है, बॉल नंबर आर। देन उसके बाद कौन सी बॉल है, नेक्स्ट बॉल इज पी, एंड देन उसके बाद है नेक्स्ट बॉल इज एस। तो इस सीक्वेंस में जहाँ भी लिखा है क्यू आर पी एस, ये है हमारा QRPS, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर इज। तो आपको बहुत ध्यान से, सावधानी से
ट्राइंगल्स को काउंट करना है। और मैं हिदायत देती हूँ कि हमेशा जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आप उनको मार्क करते जाएं कि आपने ये वाला ट्राइंगल कुछ भी काउंट कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ काउंट कर ली है और ये चीज़ अभी रहती है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, वन ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, कोई भी मार्क बना दीजिए, मैं ऐसे बनाती जा रही हूँ लाइन लाइन। टू ट्राइंगल्स हो गए, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन एंड फोर्टीन। तो फोर्टीन ट्राइंगल्स बहुत ही सिंपल ईजी वे में दिया हुआ है, तो हमने ईजिली पता लगा लिया। कई बार कन्फ्यूजिंग भी दिया होता है तो उस टाइम हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमने हर एक फिगर को मार्क करते जाना है जिसको हम काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। तो फाइव क्वेश्चन में है, अ स्क्वायर हैज डैश नंबर ऑफ कर्व लाइंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया स्क्वायर शेप कौन सी होती है, ये वाली शेप स्क्वायर वाली होती है ना, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कितनी कर्व लाइन होती है स्क्वायर के अंदर, हमें पता है एक भी कर्व लाइन नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जीरो कर्व लाइंस। ओके, विच शेप इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राई मीन्स होता है थ्री, तो इसे याद रखना है आपने कि वो शेप जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स या स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी होती है, कितनी स्ट्रेट लाइन से, थ्री स्ट्रेट लाइन से, चाहे वो किसी भी उसमें हो, शेप में हो, किसी ट्राइंगल इस तरह से हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन थ्री लाइन से मिलके बनी होती है, वो शेप हमारी ट्राइंगल होती है। तो ये हमारी ये वाली शेप जो है वो ट्राइंगल है। देख लेते हैं, ये वाली मैंने आपको बताया लाइन स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं है, ऑपोजिट बराबर है। तो ये कौन सी शेप हुई, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यस रेक्टेंगल। और ये वाली शेप कौन सी हुई अभी हमने बात की है, यस ये है स्क्वायर। और ये वाली शेप कौन सी है, सर्कल, वेरी गुड। और ये वाली ट्राइंगल जो कि थ्री लाइन से मिलकर बनी होती है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द फिगर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सर्कल्स, कितनी सर्कल से मिलकर बनी हुई है ये फिगर। वन, टू, मार्क करते रहेंगे, ठीक है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन, एक और बचा है क्या, यस दिस वन, दिस बिग वन ऑल्सो ना, तो इट इज एट। द आंसर नंबर सेवन इज बी ऑप्शन, एट। हमने ये ध्यान करना है कि सर्कल्स जो हैं वो हो सकता है बड़ा सर्कल हो, छोटा सर्कल हो, या फिर इस सर्कल के अंदर ही जो छोटे सर्कल थे बड़े सर्कल के अंदर थे, तो हमें ये बड़ा सर्कल भी काउंट करना होगा। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको काउंट नहीं करते, आप सेवन लिख देते और सेवन आपका गलत हो जाता, लेकिन आपको इसको भी काउंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट। दिस सर्कल कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग, आपको पता है ना कई बार हम लोग को कोई चीज़ ड्रॉ करनी होती है तो हम घर पे ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं कि इससे हम सर्कल बना लेंगे, इससे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ये सर्कल जो शेप है वो इनमें से दी हुई किस शेप को यूज़ करते हुए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्या आप इसको ड्रॉ करके यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, इससे तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे भी हम लाइन्स कर सकते हैं, इससे भी हम लाइन्स कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लास है उसके बेस से हम उसको, इसके चारों तरफ अगर हम पेंसिल या पेन घुमाएंगे तो हमारा कौन सी शेप आएगी, सर्कुलर शेप आएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ सिलेंडर। सो ये जो स्फेयर है, ये जो बॉल है, इसको बोलते हैं स्फेयर, जो कि सर्कुलर शेप में होती है, जो 3D ऑब्जेक्ट जो होता है, जो सर्कुलर शेप में होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेयर। जो इस तरह की शेप होती है, कोन, ट्राइंगलर शेप जैसी 3D ऑब्जेक्ट होता है। 3D मतलब क्या होता है, जो जिसको आप टच कर सकते हो, आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, इसके अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये थोड़ा सा सीनियर क्लासेस में आ जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैं, जो कि कोन जैसा दिखाई देता है, तो इसको हम कोन बोलेंगे शेप में, और इसको बोलते हैं हम क्यूब। लेकिन सिलेंडर जो शेप होता है वो इस तरह की शेप होती है, तो इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, विच शेप इज नॉट शोन हियर, कौन सी शेप यहाँ पे नहीं है। कोन, कोन तो है, सिलेंडर, सिलेंडर भी है, स्फीयर, स्फीयर भी है, तो कौन सी शेप नहीं है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज द करेक्ट आंसर। नेम द शेप विच इज ब्लू कलर्ड, ब्लू कलर की कौन सी शेप है भाई, ये वाली, ये कौन सी शेप होती है, सर्कल, यस एब्सोल्युटली राइट। 12th क्वेश्चन, डैश इज ऑन द टेबल, ऑन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑन मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। सो यहाँ पर टेबल के ऊपर क्या रखा है, टेबल के ऊपर हमारा ये रखा है फ्लावर पॉट, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है,
डैश लुक्स लाइक अ कोन. अभी मैंने बताया आपको कोन, आइसक्रीम कोन जैसा या कोन जैसी शेप कौन सी है, ये वाली. चाहे ये उल्टी रखी है, चाहे ये सॉफ्टी की तरह इस तरह की शेप में होगी, लेकिन ये कोन ही कहलाएगी. सॉफ्टी में इस तरह की होती है ना, ऊपर सॉफ्टी होती है, तो ये कोन ही कहलाएगी, चाहे वो इस तरह से बर्थडे कैप में हो चाहे आइसक्रीम में हो. दिस इज लाइक अ कोन. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन रोल बट नॉट स्लाइड. अभी मैंने बात की थी थोड़ी इंट्रोडक्शन देते टाइम कि रोलिंग और स्लाइडिंग में क्या डिफरेंस होता है. स्लाइडिंग मतलब कोई चीज़ घिसट घिसट के जाना, जैसे मान लीजिए टेबल होती है, टेबल को आप रोल नहीं कर सकते, टेबल को आप खिसकाओगे तो वो स्लाइड करती है. चेयर है, उसको भी आप स्लाइड खिसकाओगे तो वो स्लाइड करेगी. ऐसे ही ज्योमेट्री है, उसको आप खिसकाओगे तो स्लाइड करेगी, रोल नहीं करेगी. रोल मतलब होता है लुढ़कना पुढ़कना, जैसे बॉल फुटबॉल रोल करती है. ये वाली जो बॉटल आपका होगा ये भी तो रोल कर सकती है ना, ये रोल कर सकती है, लेकिन ये जो है ये स्लाइड भी कर सकती है. देखिए ये बेस है ना इसका, इसको मैं खिसका भी सकती हूँ ना, बट ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ रोल करेगी. तो हमारा आंसर है ये, बिकॉज ये पूछ रहे हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रोल कर सकता है लेकिन स्लाइड नहीं कर सकता. ठीक है. 15. विच शेप मेक द दिस एरो. तो इस एरो को मिलाने बनाने के लिए कौन सी शेप्स यूज हुई हैं. ये कौन सी शेप है स्टूडेंट्स, अभी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले. यस यू आर राइट, इट इज रेक्टेंगल. और ये वाली कौन सी शेप है, ट्राइंगल. सो रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, या फिर इसको हम ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं. तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सो अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस एवरीडे मैथमेटिक्स के, यानी जो हमारे रोजमर्रा की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस. सो ऑब्जेक्ट डैश आर आउटसाइड. आउटसाइड वर्ड क्या आया है, यानी बाहर, बास्केट के बाहर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं बास्केट के बाहर, अ टेलीफोन एंड अ की. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. द शेप ऑफ अ मिरर शोन इन द फिगर इज. इस फिगर के अंदर जो शेप है मिरर की वो क्या दे रखी है, कौन सी शेप है, ट्राइंगल है नहीं, रेक्टेंगल है नहीं, सिलेंडर भी नहीं है, इट इज एन ओवल शेप. जो थोड़ा बहुत कर्व लाइन से, थोड़ा बहुत नहीं, जो बनी होती है कर्व लाइन से, लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं होता, सर्कल हो जाएगा पूरा, ऐसे राउंड होता है जो कि सेंटर से बिल्कुल इक्वल स्पेस होता है उसका. हर जगह देख लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन इस वाले में अगर हम सेंटर यहाँ देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा कम है. तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं ओवल शेप्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से ये चार स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा जो कथन है वो गलत है. ठीक है, गलत ध्यान रखना है कि गलत वाला बताना है, सही नहीं बताना. तो शेप ऑफ अ चौक पीस इज मोस्टली सिलेंड्रिकल. जो चौक की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, यस होती है. बर्थडे पार्टी जो कैप होती है वो कौन शेप में होती है, यस वो भी होती है. डोर जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप, मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं डोर्स, हाँ जी होते हैं. विंडो इज ऑलवेज स्क्वेयर. ऑलवेज वाला जो वर्ड यूज कर दिया, अगर यहाँ पे मोस्टली स्क्वेयर कर देते तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ लिखा है ऑलवेज, हमेशा ही हमेशा स्क्वेयर की होती हैं. पर पॉसिबल नहीं है ना, कई बार किसी किसी घर में सर्कल शेप की विंडोज भी होती हैं, रेक्टेंगल शेप्स की विंडोज भी होती हैं. तो ये ऑलवेज वर्ड यहाँ गलत यूज कर दिया, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये वाली रॉन्ग हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट देयर आर फाइव स्क्वेयर्स. फाइव स्क्वेयर होने चाहिए, ठीक है, और फोर ट्राइंगल्स होने चाहिए और टू रेक्टेंगल्स होने चाहिए. ऐसी शेप बतानी है सोनू की ड्राइंग में जिसमें फाइव स्क्वेयर हो, फोर ट्राइंगल हो और टू रेक्टेंगल हो. तो कौन सी इनमें से शेप हो सकती है, चलिए देखते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंडीशन वाइज अपने ऑप्शंस कम करना शुरू कर देते हैं. देखिए इस कैसे देखेंगे कंडीशन वाइज कि फाइव स्क्वेयर होने चाहिए, इसमें फाइव स्क्वेयर हैं चल सकता है, 1 2 3 4 5 में फाइव स्क्वायर है ये चल सकता है, लेकिन इस वाली फिगर के अंदर 1 2 3 4 ओनली फोर स्क्वायर्स हैं, तो ये तो ऑप्शन से बाहर ही हो जाती है ना, क्योंकि जब स्क्वायर ही फाइव बताने हैं तो फोर स्क्वायर दे रखे हैं. इसके अंदर 1 2 3 4 इसके अंदर भी फोर स्क्वायर्स हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है. तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये वाला और ये वाला, या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा. ये हमारी कंडीशन हमने फुलफिल कर ली इन दोनों फिगर के अंदर. अब हम देखेंगे कि फोर ट्राइंगल्स के शेप के अंदर हैं, इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 ट्राइंगल्स, इसके अंदर 1 2 3 4, यानी ये वाला भी हमारा गलत हो गया. ये ही हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये वाली फुलफिल भी हो गई. अब इसको और देख लेते हैं लास्ट में, यस टू रेक्टेंगल्स भी हैं हमारे पास,
सो ये तीनों कंडीशंस जो थी इस क्वेश्चन की, ये तीनों कंडीशंस बी शेप में पूरी हो रही थी, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जॉन हैज फोर ग्रुप्स ऑफ शेप, जॉन के पास चार ग्रुप्स हैं शेप के, शेप्स के, इसके अंदर बताना है रिंग हम किस शेप, किस ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। रिंग यानी सर्कुलर शेप, इसके अंदर रख सकते हैं नहीं, इसके अंदर हाँ, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर भी नहीं, यानी क्यू, क्यू इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे हमारे अभी तक कि दोनों सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा आता है अचीवर सेक्शन, यानी हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए जो ये आपके ओलंपियाड हैं इसमें ये कैटेगरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे 2 marks ईच आते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के 2 marks हैं, 1 mark नहीं है। अब तक जो थे वो क्वेश्चन 1 mark के थे, ये 2 marks के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल होंगे लेकिन कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर थोड़ा सा आप माइंड को ज़्यादा जोर प्रेशराइज करो। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वेयर इन द बॉक्सेस आर, ये जो बॉक्सेस, 3 boxes दिए गए हैं, बताना है ट्राइंगल्स और स्क्वेयर कितने हैं टोटल। तो सबसे पहले ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं, कितने ट्राइंगल हैं तीनों बॉक्सेस के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 तो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और कितने स्क्वेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हमारे पास स्क्वेयर्स हैं। तो 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18। सो हमारे पास टोटल 18 जो हैं फिगर्स हैं, ट्राइंगल्स एंड स्क्वेयर्स इन तीनों फिगर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द शेप दिस कैन बी प्लेस, यानी ये सर्कुलर शेप जो है इनमें से किस किस ग्रुप के अंदर रखी जा सकती है। तो जिसके अंदर ऑलरेडी होगी उसी के अंदर रखेंगे ना, तो इसके अंदर तो है, इसके अंदर रखी जा सकती है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ये जो है ना ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है, और ये जो है ये ओवल है, और इसके अंदर भी रखी जा सकती है, यानी ग्रुप पी क्यू एस, पी क्यू एस, बोथ पी क्यू, ओनली पी क्यू, पी क्यू एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू एस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इन तीनों बॉक्सेस, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर ही हम लोग ये सर्कुलर शेप रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मैच द शेप्स। सो मैचिंग के लिए देखना है कि करेक्ट मैच देखना है कौन सा है, ये स्फेरिकल शेप है और ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये तो मैच नहीं है करेक्ट, ये क्यूबॉइड शेप है, ये सर्कुलर शेप है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, यस। यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सी 3D फिगर कौन सी 2D फिगर से मैच कर रही है। ये बकेट है, बकेट, अगर बकेट की जगह यहाँ पे सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ होती, तो ये हमारा करेक्ट होता, लेकिन ये भी हमारा गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या कह रहे हैं, देयर आर डैश स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एंड डैश कर्व लाइन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं और कितनी कर्व लाइंस, सो काउंट कर लेते हैं कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइन हर फिगर में देखनी है हमें, ये नहीं जरूरी नहीं स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखेंगे, ट्राइंगल में भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो ये हमारी नंबर 1, मार्क करती चल रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को भी दिखता रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, स्ट्रेट लाइंस। एंड कर्व लाइंस कितनी है, सर्कल्स के अंदर कर्व लाइन आ रही है, कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक छोटा सर्कल यहाँ पर भी है, 7, 8, 9 एंड 10, 10 कर्व लाइंस है, ठीक है। तो 35 एंड 10, दिस इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो है ये मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स शेप्स इन कॉलम 1 एंड देयर नेम्स। इसमें शेप्स दी गई हैं, इसमें उनके नेम दिए गए हैं। तो ये क्या शेप है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो पी शेप है वो हमारी है
स्क्वेयर, सो हम यहाँ लिख लेते हैं पी जो है वो हमारी टू से मैच करती है, पी टू। क्यू जो है हमारी शेप जो है वो है सर्कल, यानी क्यू जो है हमारी थ्री से मैच कर रही है, पी हमारी टू से मैच कर रही थी, सो क्यू थ्री। रेक्टेंगल ये है आर फोर, एंड एस जो है वो वन है, एस वन। सो हमें ये वाला ऑप्शन देखना है पी टू, पी टू, ये तो पी थ्री है तो ये तो गलत है, पी टू पी टू पी थ्री ये भी गलत है, ठीक है। सो पी टू क्यू थ्री आर वन, नहीं ये देखें पी टू क्यू थ्री आर फोर एस वन, दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप चिल्ड्रन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा मोर उसको बारे में समझाना चाहिए, या कोई और टॉपिक है जैसे 3D शेप्स हैं या 2D शेप्स हैं या फिर रोलिंग और स्लाइडिंग, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं ऑफकोर्स उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। और जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट चैप्टर हमारा इस बुक का लॉजिकल रीजनिंग, उसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।